महादेव, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। डे टू की शुरुआत हो गई है, हम सब जोकर बन चुके हैं क्योंकि बूंदाबांदी चल रही है। सबसे ज़्यादा जोकर ये लग रहे हैं और इनका जन्मदिन भी है, तो सब लोग विश कर देना भाई साहब को। चश्मा नीचे गिर चुका है, टूट गया, पहला नुकसान हो चुका है। कितने किलोमीटर हो गया? गौरीकुंड का पूरा पूरा कंजेशन क्रॉस करके आगे आ गया हम। 1.45 किलोमीटर भी हो चुका है। धीरे धीरे वाट लगेगी आगे, हम जैसे अनफिट लोगों की, ये लोग तो पहुंच जाएंगे। चले चलो चलो। करण भाई जा रहे हैं, भाई के जूते के लिए हो गए हैं। वो देखो सॉक्स वगैरह चेंज कर रहे हैं। हाँ, क्या कहते हैं सर? अच्छे शूज लेके आओ। हाँ कहते तो हैं। लारे लारे अरे ला कितने में? कितने? 200 चलती क्या? जवाब तो दे दे, बुला रही है पीछे भाई साहब, जवाब। थोड़ा सा थोड़ा सा। जिंदा लाशें, क्या हुआ, गर्मी लगी? रेनकोट बहुत पकड़ देता है यार। ब्रो पूरा वेट है, पूरा वेट है यहाँ से भाई। ब्रो दिखाना कितना वेट है आप। बहुत ज्यादा वेट है भाई। चलना चल नहीं 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 मारना नहीं है, देख मेरे को, वीडियो पे रिकॉर्ड हो रहा है, सब चला जाएगा। नहीं नहीं आए ऊपर, वहाँ पे पीक का पहला व्यू दिख गया, अब चलते हैं ऊपर। हाँ तू भी आ रहा है, पूरा आ रहा है, सही आ रहा है, चल ऊपर। बब चलो चलो ऊपर, पता क्या लिखा है जिस बोर्ड के आगे तू खड़ा है? हर हर महादेव। ये ऊपर चलो, सांस नहीं फूलती, जैसी फूलती है। और किसे और किसे चले तो फूल, और किसी ने नहीं नहीं हटा दिया, सांस फूलेगी लिख दिया। ये है भाई सबसे बड़ा जुमला, तेरे ऊपर जो बोर्ड लगा वो बोल रहा है यहाँ से केदारनाथ धाम 12.5 किलोमीटर है, जबकि एक्चुअल में यहाँ से 18 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पे कम लिखा होता है, हमेशा कम लिखा होता है। टोटल आपका 21 किलोमीटर के आसपास है, नीचे आपको 16.5 किलोमीटर लिखा मिलेगा स्टार्टिंग। पहुंच गया जी जंगल चट्टी, और हमारा जो ड्रिंक्स ब्रेक था वो यहीं पर था। अभी तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मौसम भी बढ़िया है। खुली नहीं रही, स्ट्रॉय टेडी होगी भाई। अरे भाभी टेंशन मतलब पहुंचा देंगे, भाभी टेंशन मतलब पहुंचा देंगे, चाहे गोदी में उठा के ले जाए, गोदी में पालकी बना देंगे। साले बोल रहे हैं गोदी में ले के ले जाएंगे शाम को किस सीट के।
लो ठाकुर हाँ खट्टा मीठा सब एक साथ बढ़िया। ये हो रहा है भाई फोटोशूट। इस इंसान ने सुबह से दिमाग खराब कर रखा है फोटो ले लेके इस इंसान ने सुबह से फोटो ले लेके दिमाग खराब कर रखा है हमारा। सुबह से 400 फोटो ले चुके हैं भाई साहब की। अब इनको भी खिंचवानी है फिर कहेंगे लेट हो गए। चल लो भाई शाम को पहुंचेंगे। अरे ओ फोटोग्राफर हो फेंक दूंगा इसको पानी में। ये देखो यहाँ ले रहे थे फोटोज। ये देखो क्या लिखा है पीछे सेल्फी फोटोग्राफी लेना जान ले वो हो सकता है जान तो दे ही देंगे। 12 बज गए और अपने पहुंच गए हैं छोटे लिंचोली। अभी देखते हैं यहाँ पे लंच करना है नहीं करना। अनुज भैया कैसा लग रहा है अभी तक जन्मदिन के दिन इतना कष्ट उठाते हुए आपको कैसा लग रहा है? जन्मदिन के दिन जाने हम केदारनाथ और का चाहिए। भाई तो ऐसा लोड लेके क्यों बोल रहा है? बड़ी लिंचोली पहुंच गया गाइस। और अगर आप प्लान कर रहे हैं आने का तो थोड़ा सोच समझ के आइए क्योंकि मुझे तो यहाँ ठंड लगने लगी है अब बहुत तेज। अक्टूबर आ गया ना तो ठंड बढ़ती जाएगी। अब क्या कहते हो सर? अभी ऐसे कि हमने रेन लाइनर डाला हुआ है तो नीचे सिर्फ हमने टी शर्ट डाली है तो हमने कोई भी वार्म लाइनिंग नहीं डाली हुई है फिलहाल। तो इसलिए जो हवा आ रही है वो डायरेक्टली लग रही है और अंदर से हाँ आप रेन लाइनर जितना मर्जी डाल लो अंदर जो पसीने आएंगे वो आपको भिगा ही देगा तो वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है ठंड लगने का। प्रिकॉशन क्या ही ले लेंगे भाई जितने हमने लिया उतने ही लेंगे तब भी ठंड तो लगेगी। मौसम देख रहे हो भाई कितना मूडी हो रखा है और अभी भी हेलीकॉप्टर जा रहे हैं पता नहीं क्या सीन है। पिछली बार तो ज़रा सा एक आध बादल होता था तब भी मना कर देते थे हेलीकॉप्टर सर्विस बंद है। इस बार तो बादल बारिश सब में चला रहे हैं। क्यों नहीं चल पाए? तू ये कह रहा था पैर नहीं है पता नहीं चल रहे पैर पता नहीं चल रहे पक्का देख ले हैं मरेगा। नहीं यार पक्का पैर नहीं पता चल रहा यानी पता चल कहाँ नहीं पता चल रहा बता तो पैर फील नहीं हो रहा मैं फील कराऊं ऐसे बढ़िया सा राजू एकदम ऐसे पी के ना मजा ही आता है नहीं हुआ फील? अरे सच में नहीं हो रहा क्या? अब खच्चरों की रेस में बकरियां भी दौड़ेंगी। आकाश से अनंत है तू मर्म पूरी सृष्टि का तू आदि है तू अंत।